हेलो एवरीवन, हाय सब्सक्राइबर्स। तो आप लोग ने अभी तक इंतजार किया कि चैप्टर का नाम आया क्यों नहीं, क्वेश्चन आंसर आया क्यों नहीं, तो फाइनली क्वेश्चन आंसर आ गया और आप भी यहाँ इसीलिए आए हो ताकि क्वेश्चन आंसर लेकर जाओ। तो ठीक है, सबसे पहले क्या है हम बता देते हैं, ये चैप्टर नंबर 2 है EVS का, है ना, स्टैंडर्ड फोर्स, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग थिंग्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये चैप्टर एक्सप्लेन हो गया है, वो चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके वो पढ़ लो, या तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी चैप्टर का दिया हुआ है मैंने लिंक, वहाँ से भी जाके आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट द सोल्यूशन, एक प्रॉब्लम दी हुई इसको सोल्यूशन हमें बताना है। तो प्रॉब्लम दी हुई है, गुरप्रीत हैज़ टू गो फॉर अ हॉबी क्लास ऑन हॉट समर आफ्टरनून, शी नीड टू बी टोल्ड व्हाट टू डू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम द हीट। अब बोला गया गुरप्रीत जो है वो लड़की, उसको हॉबी क्लास के लिए जाना है अपने, और दोपहर का टाइम है और एकदम गर्मी है ना, तो उसको हमें क्या क्या बचाव देना चाहिए ताकि वो अपनी सेफ्टी के लिए, यानी उसकी स्किन वगैरह के लिए उसको क्या क्या सेफ्टी देना चाहिए हमें उसको बताना है। तो हमने सॉल्यूशन उसको बता दिया, तो लिखा है ना सॉल्यूशन, गुरप्रीत कैन कैरी अम्ब्रेला, सबसे पहले तो वो अम्ब्रेला ले सकती है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द हर सेल्फ फ्रॉम द हॉट सन रे, इससे क्या होगा वो खुद से बचा लेगी, किसको, हॉट सन रे, जो गर्म सन रे आ रही है ना ऊपर से, तो अम्ब्रेला उसको बचा लेगी। शी टेक अ सनस्क्रीन लोशन, वो सनस्क्रीन लोशन लगा सकती है जिससे उसके स्किन को ज़्यादा नुकसान ना हो, उसकी स्किन प्रोटेक्ट रह सके, एंड कॉटन क्लोथ वेयर करेगी, उससे उसको गर्म कम होगा। तो ये उसके सॉल्यूशंस हो गए जो हमने आप उसको बता दिया है, और आप इसको लिख सकते हो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ, इफ़ वाटर कलेक्ट इन फील्ड ड्यू टू हैवी रेन द क्रॉप ग्रोइंग देयर रॉट, वाई, कि अगर मतलब क्या बोलता है कि बहुत अगर जो खेत में जो पौधे हैं यानी प्लांट्स हैं, जो फसल है, अगर बहुत हैवी रेन हो गई तो जो वो बढ़ने के बजाय वो सड़ जाते हैं, क्यों? तो आपको आंसर देना है, इफ़ द क्रॉप गेट मोर वाटर देन दे नीड, अगर उनको उनकी ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिल जाएगा तो रॉट, वो सड़ जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट एक्वेटिक प्लांट। अभी आपको एक रोटी की भूख और मम्मी ने ठूस ठूस के चार रोटी खिला दिया तो कर दोगे ना वॉमिटिंग, तो ऐसा ही है भैया, ये भी ऐसा ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू वी नॉट गेट ए गुड क्रॉप्स इफ़ वी नॉट गेट अ रेन्स, कि हमें अच्छा क्रॉप्स क्यों नहीं मिलता है जब हमारे पास अच्छी रेन नहीं होती है, अगर जब बारिश नहीं होती है, बिकॉज, क्योंकि, आंसर है बिकॉज, क्योंकि क्रॉप्स नीड सफिशियंट वाटर फॉर देयर ग्रोथ, कि क्रॉप्स को सफिशियंट, एक मतलब अच्छा वाटर चाहिए है ना, भरपूर जिसको बोलते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए। इफ़ इट इज़ नॉट, इफ डज नॉट रेन इनफ, तो अगर उतना उसको पानी नहीं मिला, क्रॉप के नॉट ग्रो कम्प्लीटली, तो क्रॉप्स कम्प्लीटली ग्रो नहीं कर पाएगी और हमें अच्छी फसल नहीं मिल पाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द इंडियन रेड स्नैक धामिन लिव अराउंड फील्ड, ये देखो थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखे, लिव अराउंड फील्ड, फील्ड की स्पेलिंग FIELD, लिव अराउंड फील्ड। तो आंसर है, द इंडियन रेड स्नैक धामिन ईट रेट, है ना, जो इसका नाम ही इसलिए रेट है ना, रेट स्नैक है, क्योंकि वो चूहे खाती है अपने जीने के लिए, सर्वाइवल, विच इज़ ईजली फाइंड इन फील्ड, और वो उसको आसानी से कहाँ, खेतों में मिल जाता है, देयर फोर, इसीलिए जो इंडियन रेड स्नैक है वो लिव अराउंड द फील्ड, इसलिए वो फील्ड के आस पास रहता है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर क्वेश्चन है, इफ देयर आर फरी एनिमल लिविंग इन स्नोई रीजन, वुड देयर कोट बी थिक और स्पेयर। अब बोल रहा है कि अगर जो फरी रीजन है, मतलब जो पंख वाले हैं यानी मखमल वाले हैं, जिनको बहुत सारे बाल होते हैं, उनको बोलते हैं फरी टाइप के एनिमल, है ना, जैसे खरगोश वगैरह हो गए, भालू वगैरह हो गए, पोलर बियर हो गए, तो ये लोग जो कोट होता है, ये लोग का ऊपर का जो स्किन होता है वो मतलब मोटा होगा या पतला होगा अगर ये लोग स्नोई रीजन में रहते हैं। तो द कोट ऑफ फरी एनिमल लिविंग इन अ स्नोई रीजन आर थिक, अगर वो स्नोई रीजन में तो उनका स्किन खूब मोटा होगा ताकि उनको ठंड ना लगे, इट कीप द वार्मर ड्यूरिंग कोल्ड वेदर, ये ठंडी में उनको गर्म रखता है। अब आपको समझ में आ गया ना, फाइंड आउट, आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, विच फ्रूट आर फॉलोइंग प्लांट इन महाराष्ट्र फेमस। अब इसके क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, ये देखो, फाइंड आउट विच फ्रूट आर फॉलोइंग प्लेसेस इन महाराष्ट्र फेमस, कौन कौन सी प्लेस फेमस है किस फ्रूट के लिए, तो नागपुर ऑरेंजेस, कोलवाड़ चीकू, सासवाड़ फिक्स,
देवगढ़ मैंगो एंड जलगांव बनाना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ आर द प्लांट यूजफुल टू अस, प्लांट कैसे यूजफुल है हमारे लिए। प्लांट गिव अस फूड ग्रेन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। प्लांट से ही तो हमें फ्रूट ग्रेन वेजिटेबल्स फ्रूट मिलता है। वी यूज़ देम फॉर मेनी डिफरेंट पर्पस, हम उसको अलग अलग पर्पस के लिए यानी अलग अलग कामों के लिए यूज़ करते हैं। वी गेट कॉटन वूल फ्रॉम प्लांट टू मेक क्लोथ, हमें कॉटन मिलता है, वूल मिलता है जिससे हम क्लोथ बनाते हैं। कॉटन वूल हम जो कभी गर्मी में पहनते हैं और वूल एंड क्लोथ जो हम सर्दियों में पहनते हैं। व्हाट इज मीन बाय आर्बोरियल एनिमल, आर्बोरियल एनिमल का मतलब क्या होता है। आर्बोरियल एनिमल आर द एनिमल दैट लिव ऑन ट्री, जो ट्री पर एनिमल होते हैं उनको आर्बोरियल एनिमल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। व्हाट चेंज डज वी सी इन ट्री एट बिगनिंग ऑफ मार्च, मार्च के शुरुआत में हम ट्रीज में क्या चेंजेस दिखते हैं, चलो देख लेते हैं। इन अ मार्च मेनी ट्रीज गेट न्यू लीव्स, बहुत सारे ट्रीज के ऊपर न्यू पत्तियां आना शुरू हो जाती है। फॉरेस्ट अपीयर टू हैव टेकन ऑन अ कॉपर कलर बिकॉज ऑफ लीव आर रेडिश एंड शाइनी, क्या होता है फॉरेस्ट पूरा कॉपर कलर का दिखने लगता है। आपने देखा होगा ना जब कोई कोई प्लांट कोई कोई ट्री पे वो जब न्यू लीव्स आती है ना तो डायरेक्ट ग्रीन कलर की नहीं आते, पहले हल्का रेडिश ब्राउन कलर की आती है जब वो छोटी होती, फिर बड़ी बड़ी होते होते वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए जब वो ब्राउन कलर की होती है तो पूरा पूरा जो जंगल होता है वो ब्राउन ब्राउन यानी कॉपर के जैसा दिखता है। कॉपर क्या होता है, ब्राउन कलर का वायर होता है जो आपके अंदर घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक वायर है ना उसके अंदर जो वायर गया हुआ पतला पतला मेटल का उसको कॉपर बोलते हैं। लीव आर रेडिश एंड शाइनी वेल अदर टेंडर टेंडर देयर TENDER देयर कलर चेंज टू ग्रीन एज द लीव ग्रो बिगर, मैंने बोला ना जब वो थोड़ी बड़ी होने लगती है तो फिर वो अपना असली कलर में आ जाती है यानी ग्रीन कलर में। दे कॉल द कोयल इज हियर्ड इन मेनी प्लेसेस, और इसको बोलते हैं कि कोयल को आवाज़ लगाती है बहुत सारे प्लेसेस पे, वो कोयल को आवाज़ लगाती हैं। फिर आपका गया फिल इन द ब्लैंक्स, तो सबसे पहले का आपका आंसर है आफ्टर डैश विंटर कम्स, तो आंसर आएगा मॉनसून। वी कीप डैश बिकॉज मीट सम अवर नीड्स, तो आपका आंसर होगा नीड्स, मैंने मार्क्स किया मतलब जो वो बताया है ना, ठीक है। फिर वी स्प्रे पेस्टिसाइड, सॉरी वी स्प्रे डैश प्रिवेंट इंसेक्ट फ्रॉम अटैकिंग प्लांट, तो आंसर है पेस्टिसाइड। विंटर इज ऑल्सो नोन एज सीजन ऑफ डैश, तो आंसर है पोंगल, यहाँ पे मैंने मार्क करना भूल गया हूँ, ये है इसका आंसर, ये पोंगल, ठीक है। तो फाइनली आपका सारे क्वेश्चन मेरे को लगता है हो गए हैं, हाँ आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं फटाफट अपलोड करूँ वीडियो, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और लाइक तो भूलना ही नहीं, ठीक है। क्या करोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब यानी SSS।